नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज आप देख रहे हैं दीर्घायु टिप्स। आज मैं बात करूंगा कि क्या कारण होता है कि हमारी स्किन ड्राइनेस, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, लेजीपन और हेडेक्स की दिक्कतें मुझे क्यों आती हैं, रीजन क्या होता है उनका। कोई ना कोई तो कारण होता होगा जिसकी वजह से मुझे सर में दर्द रहना, मेरी स्किन ड्राइनेस रहना एंड डाइजेशन सिस्टम मेरा सही से वर्क ना करना। कुछ तो कारण होंगे। क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? तो इन चीज़ों का प्रॉब्लम और कोई नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पानी पीने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा गलत है। गलत कैसे है आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि हमको पानी कब, कैसे और कितना, किस क्वांटिटी में हमको पानी जो है पीना चाहिए। क्योंकि मेन कारण है हमारा जल ही जीवन है। आपने शुरू से एक चीज़ सुन रखा है, बचपन से ही आपने पढ़ा है कि जल ही जीवन है। तो अगर हम पानी को सही तरीके से अगर नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मेरी एक मौत का कारण भी बन सकता है। पानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हमारा यूरिन, अगर हम पानी अधिक पी रहे हैं तो मेरा यूरिन जो है वाइट होगा, अगर हम पानी को कम पी रहे हैं तो हमारा यूरिन जो है येलो कलर का होगा। लेकिन हमारा पानी शरीर में अधिक मात्रा में भी पहुंचना गलत है और कम मात्रा में भी जाना शरीर के लिए गलत है। मुझे यूरिन किस टाइप का होना चाहिए? यूरिन मुझे लाइट येलो कलर का यूरिन पास आउट होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत ही सफिशियंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को यूरिन ज़्यादा डार्क कलर का हो रहा है या यूरिन हल्के कलर का हो रहा है या यूरिन जो है ज़्यादा वाइट हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा वाइट हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा डार्क येलो हो रहा है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यूरिन का मेन कारण होता है, यूरिन मुझे नॉर्मली लाइट येलो कलर का होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा अपने पानी के पीने के तरीके को बदलना होगा। किस टाइम कितना पानी पीना है इस चीज़ को बदलना होगा। मैं आप लोगों के सामने यही बताऊंगा कि मुझे पानी किस तरीके से और कितना पानी किस क्वांटिटी में पीना है। देखिए, पानी पीने का सबसे मुख्य कारण तो ये होता है कि सुबह लोग कहते हैं कि सुबह उठिए और उसके बाद पानी पीजिए। बिल्कुल सही कहते हैं। सुबह पानी मुझे किस तरीके से पीना है? सुबह पानी मुझे जो है थोड़ा या तो गुनगुना हो या गर्म पानी, जिसको बोलते हैं गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी को मुझे घूट सिप सिप करके पानी को पीना है। एक सिप लेना है, पूरे मुंह में राउंड करना है, राउंड करने के बाद में उस पानी को अंदर लेना है, फिर एक घूट लेना है, उसको पूरे मुंह में राउंड करना है, राउंड करने के बाद में उस पानी को मुझे अंदर लेना है। इस तरीके से अगर हम पानी को पिएंगे तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरा जो मुझे जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम में मुझे आराम मिलेगी। प्रॉब्लम मुझे क्या होती है पानी पीने से? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे फ्रेशनेस नहीं होती है सुबह, मैं फ्रेश नहीं सही से हो पाता हूँ। आप पानी पीजिए सुबह मॉर्निंग में, गर्म पानी पीजिए, देखिए आपको एकदम फ्रेश होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय आपको फ्रेश होने में लगेगा। सेकेंड नंबर पर आता है कि हमको पानी एक बार में कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए। मुझे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनको प्यास लगी होती है, उन्होंने क्या किया, एक बोतल लिया, एक जग लिया या एक मग्गे में पानी लिया, उसको उन्होंने बस लगाया, डायरेक्टली जो है गट 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 करके पूरा पानी अंदर इंसर्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अधिक पानी अगर मेरी शरीर में एक कुछ समय के अंदर अधिक पानी पहुंच जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हमारे सेल पर इतना प्रभाव डालता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे पानी अधिक क्वांटिटी में एक बार में नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीने की ज़्यादा इच्छा है तो आप 300 ml एक बार में पानी यूज कर सकते हैं। 300 ml पानी का सीधा सिद्धांत होता है कि अगर 300 ml हमारी बॉडी के लिए एक बार में पानी, अगर आपको तेज प्यास लगा हुआ है, कितना भी तेज प्यास लगाओ, आप एक बार में 300 ml पानी लीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। देन थर्ड वन आता है कि मुझे पानी को जो है सबसे पहले खाते समय उसको नहीं ले यूज नहीं करना है। खाना खाते समय मुझे बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है।
अगर आप कोई ड्राई चीज़ खा रहे हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो घूंट पानी पी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक छोटी सी बात आती है कि आप पानी खाता खाना खाते समय आप पानी पी रहे हैं, खाना खाते समय आप पानी पी रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती जिस तरीके से हम खाने को बनाने के लिए गैस पर पहले गैस को जलाते हैं उसके बाद खाने को बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब डाइजेशन करने के लिए मेरी जठर अग्नि अंदर से प्रज्वल होती है तो उसमें भी खाना पचने के लिए पचाने के लिए एक अंदर जठर अग्नि जब जलती है तब जाके खाना अंदर पचता है। तो इस चीज में हम अगर उसमें पानी डाल देंगे, मान लीजिए गैस है, गैस आप जला रहे हैं, गैस गर्म हुआ है, उस पर आप पानी डालेंगे तो क्या होता है? उससे धुआं निकलता है। तो सेम वही कंडीशन हमारे शरीर में भी अप्लाई होती है। अगर हम खाना खाते समय अधिक पानी पीते हैं और वो पानी हमारे शरीर में जाने के बाद में एक धुआं बनाता है, गैस बनाता है, उसी गैस की वजह से मुझे अपच, डिहाइड्रेशन, डाइजेशन ना हो पाना और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में आज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा पेन आज कहीं मेरे शरीर में इधर पेन हो रहा था, आज मेरे इधर पेन हो रहा है, कल मेरे बैक में पेन हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो गैस की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, इन चीज़ों से मुझे बचने के लिए पानी को प्रॉपर तरीके से पीना होगा। अगर हम नहीं पी पाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। प्लस सबसे एक और फोर्थ वन क्या होता है? फोर्थ वन होता है कि हम अगर पानी को पी रहे हैं तो मुझे शुद्ध पानी पीना है। शुद्ध पानी का सीधा सा मतलब होता है कि पानी जितना भी मेरा समरसेबल का हो या आप नल का पानी यूज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा बोरिंग का पानी हम यूज़ करेंगे, जितना गहराई का पानी हम यूज़ करेंगे, उतना ही पानी सफिशियंट होता है मेरे शरीर के लिए। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि मेरे घर पर तो पानी है, पानी को देखो कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए मैं एक घर पे नॉर्मली चीज़ है कि अगर आप पानी को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी घरों में क्या दिक्कत होती है कि उन्होंने पानी को नल से या समर से निकाल के रखा है, निकालने के बाद में उसमें क्या होता है कि वो पीलापन आ जाता है या जिस चीज़ में हम रखते हैं वो बर्तन पीला हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कारण आता है कि पानी जो है मेरा, जिस जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो पानी गलत है, ख़राब है, उस पानी को मुझे नहीं यूज़ करना है। या तो आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस तरीके की सुविधाएं लगवाएं जिससे कि वो पानी आपको शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप मुझे लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट जरूर करें। जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।